हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। सुनाओ की हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, मैं ना उर्दू दे विच वीडियो बनाना मेरे वास्ते बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैं ट्राई करांगा। काफ़ी बंदे कहते हैं कि तो सानू तुहाडी गल दी समझ नहीं आती। मैं नहीं ट्राई कर लगा, वो थकान ने, सॉरी। अच्छा यार, जो भी मामला होया है, आम बंदा जिहड़ा ना बिल्कुल नहीं समझ सकता कि सोशल मीडिया जिहड़ा किस तरह तुहाडी जिंदगी तबाह कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। आम बंदे दी, एक आम बंदे दी किस तरह तबाह कर सकता है, स्पेशली जिहड़े ने न्यूज़ एंकरस जिहड़े ने किस तरह तबाह करते हैं। मैं सलाह चु गुजरिया तो मैं समझ आई है। उर्दू पॉइंट वाले आए ने मेरे को, तरलिया नाल उन्होंने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू दिता उन्होंने मैं, तो जनाब वाइफ नाल गलबात करके उन्होंने बुला सला के मैं इंटरव्यू दिता। मैं क्या यार, मैं क्या कोई नहीं गल है रही है, दे सकते हैं इंटरव्यू। बेगम ही मान गई, उन्हें आख्या, मेरी बेगम ने पहला स्टार्ट च मैं आख्या कि बंदे सानू सिर्फ यूज़ करन दे अपने काम वास्ते, अपने मकसद वास्ते इन्हों दे। मैं उसकी गल नहीं सुनी, असी इंटरव्यू दिता है। हूँ इन गलत पास ना लै लियो कि मैं हूँ अपनी फेम वास्ते या पैसे वास्ते दिता है, तो वो एक वीडियो वायरल इंजे हो गई है साडा हमने, तो सोशल मीडिया के दिल को नहीं सी इंजे, बस वायरल हो गई है सोशल मीडिया से, उतू रोज़ दिहाड़ी मिन्नत कर लग पाया, तो मैं तां वास्ते इंटरव्यू दे सड़िया। अच्छा जी, उस इंटरव्यू दे विच बर्बाद किस तरह करता सोशल मीडिया, हूँ असी किस तरह सवाल बोले ने। मैं एक सवाल का जवाब देते हैं किसी होर जगह पर। हूँ उन्होंने अग्रैसिव बनाने वास्ते उन्होंने पिछे उस जवाब के पिछे होर कोई सवाल ला सड़े है, इस तरह कट वट के उन्होंने सवाल ला, उस बंद सामने बोलना मैं ही हाँ पिया, पर गंदा कर सड़े है सारे, उन्होंने गंदा सारे गंदा कर सड़े है बहुत ज़्यादा। हूँ वो पूरा सच नहीं है भी, जड़ियाँ असी सच्चिया गल् जवाम मतलब कि सही रियालिटी शो कर दियाँ सर, उन्होंने गलों में ऐड ही नहीं कीतियाँ सोशल मीडिया से। हूँ रब थोड़ा भला करे कि हूँ उन्होंने भी पूरा इंटरव्यू अपलोड नहीं किए, कोई 32-33 मिनट का इंटरव्यू से जिद उन्होंने 13 मिनट का शॉर्ट करके 13 मिनट का सिर्फ अपने मकसद की वीडियो ला के उन्होंने यूज़ कर लिया। उस तो बाद रब थोड़ा भला करे सारा पाकिस्तान जोड़ा गालां कढ़न लग पाया। चलो ठीक है यार, तुसी मैनू गालां कढ़ो, कोई नहीं मसला, कढ़ो सारे गालां कढ़ो, कोई मसला नहीं यार, तुसी अपनी लैंग्वेज विच गालां कढ़ो, मैनू कढ़ो गालां। तुहाडा मेरी वाइफ नाल की तअल्लुक है? मेरी वाइफ नाल की इंग्लिश दे विच जान के उन्हूं सुनाण वास्ते तुसी करदे हो पे? ठीक है तुसी ए गल लिखो, ही शी यूजिंग यू, ही यूजिंग यू आर लाइक दैट, ए गल लिखो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है भी। अगे जे वो मेरा साथ दे सकते, जे मेरे नाल आनेस्ट, जे वो मेरे ते ट्रस्ट कर दी तो मेरे नाल रवे दी, नहीं तो छड़ जे दी, मैनू कोई मसला नहीं। पर गल है भी कि वो बेचारी भी हर्ट करना, वो बच्चों को हर्ट करना, वो फैमिली हर्ट करना, वो भैन भरा हर्ट करना, यह कोई अच्छी गल समझते तुसी? हूँ सब तो वड्डा एक एंकर है जी, मेरे मूँह बहुत गंदे अल्फाज ते बहुत गलीज मेरे आती है भी, पर मैं हूँ की आखा, आफताब इकबाल साहब, उन्होंने मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता सा यार, बहुत ज़्यादा उन्होंने इज्जत करता सा। उन्होंने सोशल मीडिया तो कोई थोड़े जिन्हें चुक के तो प्रोग्राम के बह के लाते लाते चाड़ के, मैं 100% यकीन है कि ये बंदे ने वीजे के लिए और पैसे के लिए ये किया। आफताब इकबाल साहब, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, अल्लाह की कसम मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता था आपकी, आपका हर शो सुनता था मैं। इन कुछ दिनों में मैं आपका शो नहीं सुन सका, मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे क्लिप सेंड की है, ये देखो आफताब इकबाल क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। अल्लाह के बंदे एक दफा मुझे कॉल कर और मुझे बता, मुझसे पूछ बेटा क्या बात है, आप इतने सीनियर सहाफी और इतने सीनियर होस्ट हो, आप इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हो, सारी दुनिया आपको जानती है, कैसा आपने गंदा काम किया है। एक आम जो गली में घूमने वाला जो लोंडा लपाड़ा है ना, जैसे उसने जज किया सेम आपने वैसे जज किया। आपने कोई खास बात नहीं की अपने प्रोग्राम में बैठ के कि आपने पढ़े लिखे लोगों की तरह कोई बात ऐसी नहीं की।
मुझे बहुत शदीद गुस्सा है इस पे कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। काफी बंदे आ जाएंगे, मैं अल्लाह की कसम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इफ्ताब इकबाल ने सिर्फ मेरी एज के अलावा जो कुछ बोला इस अपने अपने प्रोग्राम में सब कुछ झूठ बोला है। आफ्ताब इकबाल साहब, आपको मुझसे अपोलोजाइज करनी चाहिए, आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए ऑन एयर, क्योंकि जितने लोगों ने आपके जो जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो जो लोग आपको देखते हैं और वो आपकी यकीन आपकी बात पे यकीन करके बैठ गए हैं, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठ के ऑनलाइन मुनाजरा करें, मेरे साथ बात करें, आपको पता चल जाएगा मैं कितना झूठा हूँ, आप कितने झूठे हैं। यार मैं किस तरह बताऊं आपको कि मैं आपकी कितनी ज्यादा इज्जत करता था, आपकी रिस्पेक्ट करता था मैं आपकी, और मैं आपकी हर बात को सच्ची मानता था। पर लेकिन उसके बाद एक और बात हो गई है, हकीकत टीवी वाला उसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसने भी गंद उगल दिया। एक एक बंदे को छोटी सी मैंने स्टोरी थोड़ी सी बात सुनाई है और उसने भी अपने मकसद के लिए कट वट के उस अपने मकसद के लिए यूज कर लिया और मकसद के लिए यूज किया और उसी वीडियो से उठाकर पूरा पाकिस्तान बना हुआ है जी, सहाफी एंकर बने हुए हैं जी, क्या कहते हैं उसको, बहुत कुछ बने हुए हैं वे पता नहीं, तुसी कोई बड़ा वड्डा अंदाजा ला लिया, बड़ा वड्डा तुसी जज कर लिया। यार मैं शदीद अफसोस है, तुसी एडा गंद बकिया है, बहुत ज्यादा गंद बकिया मेरे नाल। यार एक बारी फोन ते कॉल करके मेरे को स्टोरी पूछो तुसी, साड़ी फैमिली नू मेरे मियाँ बीवी दे साड़ी फैमिली दे विच कोई इंटरफेयर होया ना तुहाडी वजह तो, ते मैं अल्लाह दी कसम तुहानू कदे जिंदगी च माफ नहीं करदा। मैं रब दी जात तुहाडे कोलों मेरा बदला लेदी इंशाल्लाह, ए गल ज़हन च रखियो। तुसी जाणियो बुझियो बगैर, कुछ भी जाने बुझियो बगैर जाके ते अपने उत्थे लत चढ़ी ते मजाक बनाउण लगे हो, निकाह दा मजाक बनाउण लगे हो, साडा मियाँ बीवी दा मजाक बनाउण लगे हो, तुसी जानते है कौन नहीं। एक आफ्ताब इकबाल साहब, मैं थोड़े ना जिडे वे सहाबी हो, तुम इतों मुलक छड़ के नहीं सी नसना चाहिए, तुसी जाके उठे हो जाके बाहर, सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरी फैमिली के खिलाफ है, गंद बकदी है भी सारी दुनिया, पर मैं अपनी फैमिली के नाल खलोते हैं, अपनी बेगम के नाल डट के खलोते हैं जड़े हार, प्राउडली बाहर जाना वा अगे पिछे उन्होंने नाल लैके। किसी बंदे ने मैनू रियालिटी नहीं पूछी है भी, उस तो बाद आके एक इंटरव्यू तो बाद किसी ने नहीं मैं तेरे की होया, किसी ने रियालिटी अंदर किसी ने यह नहीं पूछे भी कि नहीं तेन की मुश्किल पेश आई है। मेरे हाल से मिडिल क्लास लोग ने उन्होंने अल्लाह की कसम मैं सारे ने पूछा, नहीं भाई कोई चीज़ चाहिए दसो सानू, नहीं भाई पैसे चाहिए, नहीं भाई एड्रैस सेंड करो, असं तुम भरजाई वास्ते असं गिफ्ट सेंड करने करने ते। थैंक यू सो मच उन्होंने बंद जो सू सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो वीडियो जी लाजमी ज्यादा तो ज्यादा शेयर करनी है, ज्यादा तो ज्यादा शेयर करनी है आफ्ताब इकबाल तक। तो हकीकत टीवी वाले पूछे यार इन्ना गंद, हकीकत टीवी वाले का मैं एड्डा फैन, इन्हों दो बंद मैं सारी दुनिया भौंकती है भी, मैं किसी का फिक्र नहीं, मैं किसी का डर नहीं यार, इन्होंने दो बंद मैं बहुत ज्यादा फैन सा। इन दो बंद ने मैं पता कि यह दोवे बंदे जो बोलते हैं सच बोलते हैं, पर सारी दुनिया के इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया तो कोई चीज़ा चुक के पूरा पूरा प्रोग्राम कर छड़िया देते। हकीकत टीवी वाले ने जिन्हें सोशल मीडिया अकाउंट ने, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह से अपने बके है, जबान बोली अपनी गंदी। चलो ठीक है यार, वीडियो नूं ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, तो अल्लाह हाफिज। तो सॉरी जेडे आफ्ताब इकबाल साहब के हकीकत टीवी वाले के फैन ने उन्होंने को मैं माजरत, पर तुहानूं मैं रियलिटी आई तो संगे गंद जे साहब हूँ मैं हर बंदे वक्खो वक्ख जाके नहीं दस सकता है कि मैं सच्चा वा, मैं रेज है, हामी नहीं है, मैं इंज हो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸਲੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋਏ ਹੋ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।